ये करो शुरू सर। आज हमने जो डिस्कस करनी है वो हमारे पास दो चीजें हैं, रॉ एंड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के रॉ और कॉलम पर आज हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम क्या है जी, ए। इसका नाम ए रख है और इसके अंदर हमने ये सामने हमारे सामने है तीन रो हैं। ये पहली रो है जिसको हमने क्या नाम दिया, आर वन। ये दूसरी रो है जिसको क्या नाम दिया जी, आर टू। और ये तीसरी रो है आर थ्री। और ये जो इस तरह की रो होती हैं तो इसको हम कहते हैं होरिजेंटल। क्या बोलते हैं जी, होरिजेंटल। तो इसको हम डिफाइन यूं करेंगे, अ मैट्रिक्स ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। द एंट्रीज, ये एंट्रीज हो रही हैं 1 2 0, ये हमने एंट्रीज की हैं, वो नंबर है उनको एंटर किया है। प्रेजेंटेड इन होरिजेंटल वे, ये होरिजेंटल वे के अंदर हमने इनको प्रेजेंट किया है, आर कॉल्ड रो। वो एंट्रीज जिनको हम होरिजेंटल तौर पर जो है वो एंटर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं भाई, रो बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन अ मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन होरिजेंटल वे दैट इज कॉल्ड रो। इसी तरह हम ये मैट्रिक्स बी की तरफ आ जाते हैं तो मैट्रिक्स बी के अंदर जो है इस अंदाज को हम वर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं जी, वर्टिकल। और इस अंदाज को हम क्या बोलते हैं जी, हॉरिजॉन्टल। तो हम जो है कॉलम की जो है वो डेफिनेशन यू करेंगे, इन अ मैट्रिक्स ऑफ बी, इन अ मैट्रिक्स ऑफ बी, ये मैट्रिक्स बी हमारे पास है, ऑल एंट्रीज प्रेजेंट इन द वर्टिकल वे। किस वे में है जी, तमाम एंट्रीज जो है ये हमारी वर्टिकल वेज हैं, दैट इज कॉल कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। अब मेरा आपसे सवाल है, हाउ मैनी कॉलम इन मैट्रिक्स बी, हाउ मैनी कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी के अंदर कितने कॉलम दिए गए हैं, कौन जवाब देगा भाई, कितने भाई, तीन। मैट्रिक कॉलम के अंदर जो है, मैट्रिक्स बी के अंदर जो है वो कॉलम की तादाद कितनी हो गई भाई, और मैट्रिक्स ए के अंदर रो की तादाद क्या होगी, ठीक है जी।